हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सागर कुमार। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ लीटकोड प्रॉब्लम। टुडे प्रॉब्लम इज इन्वर्ट बाइनरी ट्री। ओके, गिवन द रूट ऑफ बाइनरी ट्री, इन्वर्ट द ट्री एंड रिटर्न इट्स रूट। ओके, और इसमें एक बाइनरी ट्री दिया हुआ जिसका कि रूट दिया हुआ, और इन्वर्ट करना है ट्री को और रिटर्न कर देना रूट को। ओके, जैसे कि ये एग्जाम्पल है। ओके, तो इस प्रॉब्लम को समझते हैं कि ये इन्वर्ट द ट्री का मतलब क्या है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये प्रॉब्लम में कहना क्या चाह रहा है। ओके, जैसा कि फर्स्ट एग्जांपल है, ये रूट दिया हुआ है 213। ओके, एक ये ट्री है, एक ये ट्री दिया हुआ है, और इसको इन्वर्ट करना इस फॉर्मेट में। ओके, तो किस तरह से कर देंगे। किसी भी ट्री को इन्वर्ट करने का थ्री रूल है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट रूल है रूट को रूट को रूट को रूट ही छोड़ देंगे। ओके, रूट को रूट ही। सेकेंड रूल है लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट कर, राइट में स्वैप कर देंगे, और राइट को लेफ्ट में। ओके, किसी भी ट्री को इन्वर्ट करने का ये थ्री रूल फॉलो होता है। फर्स्ट रूट को रूट ही छोड़ देंगे, लेफ्ट नोड को राइट नोड में स्वैप कर देंगे, और राइट को लेफ्ट में। ओके, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल में है 2, 1 और 3। एक ये बाइनरी ट्री है जिसका कि रूट 2 है, और ये लेफ्ट नोड है और ये राइट नोड है। ओके, तो इसको इन्वर्ट करना है, और इन्वर्ट करने का थ्री रूल है। रूट को रूट ही छोड़ देंगे एज इट इज, रूट को रूट ही छोड़ दिए। अब क्या करेंगे, लेफ्ट को राइट में और राइट को लेफ्ट में। तो ये लेफ्ट है और ये राइट नोड है, लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में। राइट को लेफ्ट करेंगे तो ये 3 इधर आ गया। ओके, और क्या है सेकेंड रूल, लेफ्ट को राइट में, तो लेफ्ट को राइट किए तो ये 1 आ गया। ओके, और रूट को रिटर्न कर देना है, तो ये आंसर हो जाएगा 2, 3 और 1। ओके, तो इस तरह से किसी भी बाइनरी ट्री को इन्वर्ट करना है। इन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, रूट को रूट में ही और लेफ्ट को राइट नोड से स्वैप कर देंगे, और राइट को लेफ्ट से। ओके, तो इस तरह से करना है। सेकंड एग्जांपल है, जैसे कि ये फर्स्ट दिया हुआ है, एक बाइनरी ट्री है, रूट नोड 4 है, 2, 7 और इसका 2 चाइल्ड है लेफ्ट और राइट, 1 और 3, 7 का भी 2 है, 6 और 9। ओके, तो इसमें क्या रूल क्या था, लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में, और रूट को रूट ही। तो ये रूट को रूट ही छोड़ देंगे, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट। तो 7 को स्वैप, 2 को 7 के साथ लेफ्ट को राइट से स्वैप कर देंगे, और ये राइट को लेफ्ट के साथ। ओके, आइए यहाँ तक। अब इसके नीचे क्या है वो देखते हैं। अब क्या करेंगे, इसको अलग बाय अलग जितने रूट नोड है ना, उसके जो लेफ्ट और राइट नोड है, चाइल्ड नोड डेट मीन्स, उसको अलग अलग कर लेंगे। जैसे इसको फर्स्ट वाले इसको हम करते हैं एक साथ, और इसको एक साथ कर लेते हैं, और बाद में कंबाइन कर देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, ये 2 का, ये 3 इधर जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। ओके, लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट। तो 7 के नीचे क्या है, 7 के नीचे 6 और 9 है, तो ये 6 लेफ्ट को राइट से स्वैप कर देंगे, तो ये 9 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। ओके, और इसके लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट, तो डेट मीन्स ये 3 हो जाएगा, राइट वाला आ जाएगा लेफ्ट में और लेफ्ट वाला राइट में, और रिटर्न कर देना है फाइनली रूट को 4, 7, 2, 4, 7, 2, 9, 6, 3, 1, 9, 6, 3, 1। तो इस तरह से इन्वर्ट करना है किसी भी बाइनरी ट्री को। रूट को रूट ही छोड़ देंगे, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट। ओके, इसको देखते हैं कि कोड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक बेस कंडीशन चेक कर लेंगे कि यदि रूट नल हो, इफ़ रूट इजकल टू नल, तो रिटर्न कर देंगे नल ही। ओके, अब क्या करेंगे, इसमें क्या कर रहे थे, लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट कर रहे थे, तो ट्री नोड एक बना लेंगे रूट टेम्प नाम का वेरिएबल, टी एम
temp इक्वल टू इन्वर्ट करना है ना, इन्वर्ट ट्री इसमें क्या कर रहे थे हम, रूट के जो राइट है ना उसको एक टेम्प्रोरी नाम के रूट एक वेरिएबल ले लीजिए उसमें स्टोर कर देंगे, रूट डॉट राइट ओके इसको ले लीजिए। अब क्या करेंगे, जो रूट के जो राइट था रूट के राइट उसमें हम इन्वर्ट कर देंगे, इन्वर्ट ट्री रूट डॉट लेफ्ट लेफ्ट ओके और रूट डॉट लेफ्ट इक्वल टू रूट टी एम पी ओके और फाइनली क्या करेंगे रिटर्न कर देंगे रूट को ओके। तो हम क्या किए, एक वेरिएबल बनाए रूट टेम्प जिसमें कि जो ट्री था उसके राइट में जो साइड जो भी वैल्यू था उसको हम इस टेम्प्रोरी वेरिएबल में स्टोर किए और रूट के राइट में लेफ्ट का वैल्यू स्वैप कर दिए और लेफ्ट में राइट कर दिया ओके और फाइनली रिटर्न कर दिए रूट को, जिस तरह से इस एग्जाम्पल में कर रहे थे लेफ्ट को राइट में राइट को लेफ्ट में और रूट को एज इट छोड़ रहे थे ओके। तो कंपाइल करके देखते हैं ओके, ऑल टेस्ट केस पासेज सबमिट द कोड ओके। तो ये कोड 100% बीट्स कर रहा है ओके, दैट्स गुड, थैंक यू।